रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार 70 mm से अधिक आकार का बीज डाला गया है। इस बबात प्रक्रिया आरंभ भी हो चुकी है, जिसके तहत गोविंद सागर झील में मत्स्य निदेशालय के निदेशक सतपाल मेहता की देखरेख में 4.19 लाख के मछली बीज डाले गए हैं, जबकि कुल 10 से 12 लाख सिल्वर कॉर्प प्रजाति के मछली का बीज डालने की लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार 70 mm से अधिक आकार का बीज डाला जाएगा। इस बाबत प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत गोविंद सागर में मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता की देखरेख में 4.19 लाख मछली बीज डाला गया, जबकि कुल 10 से 12 लाख सिल्वर कार्प प्रजाति की मछली का बीज डालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पोंग डैम, चमेरा और कोल डैम में भी पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बीज डालने का निर्णय लिया है। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि इस बार गोविंद सागर में मछली की बेहतर ग्रोथ पाई गई है, जिसके तहत पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा मछली बीज डालने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 4,19,000 मछली बीज डाला गया। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर जलाशय में 10 से 12 लाख मछली बीज डालने की योजना है। पश्चिम बंगाल से बीज मंगवाया गया है, जल्द ही अगली खेप बिलासपुर पहुँचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में स्थापित फार्मों में उत्पादित बीज भी जलाशयों में डाला जाएगा तथा पोंग डैम में 8 से 10 लाख मछली बीज डाला जाएगा और इस जलाशय में भारतीय मेजर कार्प, रोहू, मृगल व कतला प्रजाति का बीज डाला जाएगा। सतपाल मेहता के अनुसार चमेरा डैम में सिल्वर कार्प का 2 लाख बीज डाला जाएगा, जबकि कोल डैम में 3 से 4 लाख मछली बीज डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मछली की पैदावार बढ़ाने के मकसद से इस बार जलाशयों में सुनियोजित तकनीक से बीज डाला जा रहा है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि बाखरा डैम में भी जल्द ही केज में सिल्वर कार्प का 20 से 25 mm का बीज डाला जाएगा। बाखरा में कुल 28 केज हैं और एक केज में 8 से 10 हजार बीज डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मछली का आकार 100 mm होने पर इसे जलाशय में डाल दिया जाता है। केज में मछली सही ग्रोथ करती है, 1.5 से 2 लाख मछली बीज डालने की योजना है। इस वर्ष भी जलाशयों में मछली का बीज जो है उसका संग्रहण किया जा रहा है और इस बार विभाग के पास लगभग 65 लाख रुपए जो है उसमें सारा का सारा सीड जो है वो बाहर से लेके आएंगे। विभाग जो है वो कुछ तो मछली का बीज अपने फार्मों से भी इसमें डालते हैं, वो जलाशयों में डाला जाता है। हमने अभी गोविंद सागर जलाशय में वेस्ट बंगाल से सीड लेकर के यहाँ गोविंद सागर जलाशय में डाला है और लगभग 4,19,000 के आसपास जो है वो सीड डाला गया अभी तक। और गोविंद सागर में हमने लगभग 10 से 12 लाख जो है वो सीड डालेंगे, जो कि सिल्वर कार्प का होगा। इसके अलावा हमने कॉमन कार्प मछली का सीड और IMC बड़े साइज़ का IMC जो है उसको भी डालने का प्रावधान रखा हुआ है। कॉमन कार्प का सीड हम अपने ही फार्मों से डालेंगे। इसी प्रकार गोविंद पोंग जलाशय में भी, जो कि हमारा बड़ा जलाशय है, उसमें भी हम IMC भारतीय मेजर कार्प, जिसमें रोहू, मृगल, कतला आती हैं, उनको वहाँ पे डाला जाएगा। 2-4 दिन के बाद वहाँ भी एक खेप जो है वो आ रही है उसी। इसी प्रकार हमने चमेरा जलाशय में भी और कोल डैम में, इन दोनों जलाशयों में सिल्वर कार्प जो है उसको हम उसमें संग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।